tengo yo mi carleta. Hey guys, welcome back to another vlog. तो आज का vlog बहुत special होने वाला है. कोई यार special नहीं होना. तो यार बाल हो गए खराब, तो plan कुछ योग बना. तो plan तो रोजन से पहले बन गया था. मैंने कहा था ना टेन करवा देंगे, तो अभी कुछ प्लान यूँ बना के अभी रोजन से उस वक्त मतलब ना टेन नहीं करवाया था, तो अब टेन करवाएंगे, मतलब उस तरह करवा देंगे तो बिल्कुल क्लीन मतलब हो जाएगा. तो यार बाल खराब हो गए, मतलब ना पहले मतलब सही अच्छी तरह कंघी हो जाती थी, तो अब कंघी नहीं होती, इसी वजह से ना अब मतलब ना टेन करवानी पड़ेगी. तो अब चलते हैं ब्रावल भाई के पास और उनसे जाकर पूछते हैं, मतलब वो ना अगर उनसे मैंने कहा अगर आप हमें टेन करवानी है तो करवा लेंगे, उनसे पूछते हैं. तो पहले जाकर वहाँ पर जाते हैं. तो ये छोटा सा व्लॉग है आज का, तो जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पर. तो बाइक इसने नई निकाली, मैंने कहा कोई वर्जिश भी हो जाएगी, तो इस महीने के साथ बजट भी नहीं है, तो ये बात तो नहीं, घर से पैसे तो मिल जाए, तो मैंने कहा बाइक नहीं निकालता मेरा साथ में दुकान है, तो वहाँ पर ना चल कर चले जाते हैं. तो जल्दी से बिलाल भाई की दुकान पर पहुँचते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि उन्होंने भी टेन करवाना या नहीं, उनसे जाकर पूछते हैं. रास्ते में क्या कहता है, मुझे तो लगता है वो ना ही करेंगे, क्योंकि ना पहले तो वो एग्री हो गए थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता वो मानेंगे. मैं आया हूँ बिलाल भाई के पास, तो यहाँ उसने आकर सीधा सामने ना ना कर दिया. उसने कहा भाई जान मैंने तो टेन नहीं करवाना, छुट्टियों में करवाएंगे तो यार प्लान रह गया, लेकिन मैं ना तो अपना टेन करवा कर ही देना ठीक है, उस तरह तरफ करा देना. तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे. हमें मिल गई है फ्री क्लिप, तो बिलावल भाई जब मोटरसाइकिल लेकर आ गए थे, तो अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं जल्दी वहाँ पर देखते हैं बिलावल भाई. अभी तक तो नहीं माने, तो लगता है ये तो बाल नहीं कटवाने वाले, तो मैं ही बाल कटवाऊँगा. ये हम वहाँ पर आ चुके हैं, देखिए तो आज हमारे प्यारे बाल बिल्कुल साफ हो जाने हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, चाय. तो इंतज़ार करते हैं, ये भी एक भाई बैठे हैं, ये देखेंगे एक भाई बैठे हैं, तो फिर जल्दी से ना बैठ कर खा गया. उनको अब दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि उनको अवतार जो है लोग देखने में अपना तो महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम फिटिंग करवाना पड़ेगा, वो अपना दिल तो नहीं कर रहा. हालत करेंगे इसी बात नहीं कर, लेकिन फिर तो दो तीन महीने बाहर ही जाकर ना बालों पर कहीं जल्दी है. आज के दिन ना अच्छे लग रहे हैं, ना बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, आज के दिन ना अच्छे लग रहे हैं, बहुत दुख भी लग रहा है कि आज टेन हो जाए. टिन शिंड हो गई है अपनी, ये देखें तो ये कुछ दाने भी निकले हुए थे, तो इस वजह से टिन कराई है. तो अब जल्दी से ना घर जाकर नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर जाकर असर की नमाज अदा करनी है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था. तो जल्दी से घर पहुँचते हैं और नहाते धोते हैं और आपको मिलते हैं, और वहाँ जाकर जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और दिखाते हैं कि मैं कैसे लग रहा हूँ. तो यार वैसे तो बंदा थोड़ा सा ना ये लोगों की बातें होनी, टेन करा लिया ये गंजा पापी, तो कुछ नहीं होता यार, लोगों को नज़रअंदाज करने का उनकी बातें नहीं सुननी, ठीक है जो भी करना खुद करना, अपने लोगों से अगर हार्ट का सोच करना तभी इंसान ने कुछ बड़ा बनना है, तो ये लोग बातें कर. तो गाइस लग तो इस तरह मैं कोई ना गंजा चोर हूँ यार, बिल्कुल इस तरह लग रहा है. तो यार कोई बात नहीं है, बाल ख़राब हो गए थे तो इस वजह से टेन करवाया, तो करना और कोई वजह नहीं थी, तो मुझे भी शौक नहीं था टेन करवाने का, तो तीन से चार साल बाद ना टेन करवा रहा हूँ. तो यार इसी ना इसलिए यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो यार मैं बहुत मेहनत से बंदा ब्लॉग बनाता हूँ, तो मेरे ब्लॉग मोटिवेशन भी होते हैं, तो एजुकेशन भी होता है, तो आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, सपोर्ट करें. तो ये देखें राजन पूरी बकरा है. तो टेंशन हो गया, जल्दी से ना जाकर नहाते धोते हैं, ठीक है घर जाकर आपको मिलते हैं. तो अभी वो बच्चे सामने खेल रहे होंगे, उनका रिएक्शन बेकार करते हैं, वो देखेंगे
अभी तक तो कोई बच्चा नहीं है, तो कभी दिखाएंगे ठीक है। वो देखें, वो बच्चे देख रहे हैं, ये देख, ये बातें सुन आप इनकी। बंदा इस तरह करता है ना, तो मतलब इस तरह करता है तो बंदे को लगता है जैसे बाल थे, तो अब लगता है बिल्कुल क्लीन लेदर आ गई है, स्किन आ गई, तो यार बहुत अजीब लग रहा है। ये देखना बंदा इस तरह करता है, तो बंदे के बाल होते हैं तो इस तरह करता है बंदा, तो यार अब बहुत अजीब लग रहा है। ये मैं अपने घर आ चुका हूँ तो बहुत एम्बेरस हो रहा हूँ यार। तो कोई बात नहीं है, बाल खराब हो गए इस वजह से ना, कहीं करवाए तो ये मैं आ चुका हूँ, तो बहुत अजीब लग रहा है। मूछें, दाढ़ी, सर पर बाल ही नहीं, इस तरह लग रहा है कि ना इस तरह लग रहा है कि मेरे सर पर बाल नहीं है। मुझे वो जो कहते हैं ना बीमारी हो गई है बालों वाली, तो इस तरह लग रहा है मुझे कोई बीमारी हो गई है और सर पर बाल ही नहीं है। तो यार जल्दी से ना कपड़े चेंज करते हैं और नहाते धोते हैं और फिर आपको मिलते हैं ठीक है। भाई जल्दी से कंडीशनिंग कर लेते हैं, तो गाइस सच्ची बात बताऊं तो ना टेंट कराने का कोई मकसद नहीं था, तो मैंने कहा यार व्यूअर को कुछ टेंशन मिलेगी यार, तो टेंट सच्ची में ना देख लो, वैसे तो ना बाल भी ठीक थे जानबूझकर, सच्ची बात बताऊं ना टेंट इसलिए करवाया, तो मैंने कहा कोई व्यूअर आ जाए, कोई कंटेंट मिल जाएगा, तो इतने दिन से कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा था, तो यार कोई बात वही लगे तुम्हारे खान, तो जल्दी से तैयार शहर होते नमाज मत मतलब पढ़ते हैं, तो अभी सरसों के तेल से ना मतलब चंपी कर लेते हैं, मालिश कर लेते हैं, ताकि ना बाल जो है ना अच्छी तरह से आ जाए। वैसे तो बाल खराब हो जाए, ये मेरे सिर में तिल भी है, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये देख लो, ये तिल भी है सर में, तो ठीक है जल्दी से ना चंपी करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। वैसे तो मतलब ना कैमरा पकड़ना मतलब ना है नहीं, तो मैं कहीं कैमरा सेट कर लूंगा ताकि आपको आसानी से दिखा सकूं ठीक है। चुका सरसों का तेल, ये तो ये देख, यहाँ कहीं पर कैमरा सेट करने की जगह तो नहीं बन रही, किधर रखूं, शायद यहाँ से दिखाई दे, रुक जा, ओह यार किधर फंस गए, वाह अगर नहीं गिरा तो ठीक है ठीक है। तो ये लगा लेते हैं सर पर, ठंडा ठंडा कूल कूल, नहीं यार वैसे ही ना बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ठंडा ठंडा सिर लग रहा है, वैसे भी गर्मियां आ रही हैं तो अभी मीठा मौसम था, तो मैंने कहा इस बार ना करवा लेता हूँ टीम। तो ये हो गई चंपी, चंपी अभी भी थोड़ा थोड़ा तेल है, अगर ना ये तेल तो जब बाल होते हैं तो कम पड़ जाता है। हाथों लगा लेते हैं यार, ऐसे तो कम नहीं होने वाला। तो फ्रेंड आपने बताना है मैं किस तरह लग रहा हूँ, मतलब व्यूअर आपने बताना है मैं किस तरह लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ। तो शायद ये व्लॉग मैं पोस्ट करूँ या ना करूँ मुझे भी नहीं पता, तो शायद घर वालों से इजाजत मिले या ना मिले, तो वैसे तो मैंने बनाया तो है व्लॉग, तो देखते हैं। चलो जी बहुत है, तो जल्दी से चलते हैं मस्जिद, वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए चलते हैं। तो ये जो व्लॉग है ये शॉर्ट्स में भी आएगा और लॉन्ग में भी आएगा, अगर आप मतलब शॉर्ट वेरियंट में देखना चाहें तो शॉर्ट में देख सकते हैं और लॉन्ग में देख सकते हैं। तो जल्दी से नमाज पढ़ने चलते हैं, मोटरसाइकिल बंद कर लेते हैं ठीक है, तो ऊपर कैप डाल लेते हैं, तो मेरे दिल में कैप नहीं डालते क्योंकि जो बाल ग्रो करेंगे ना तो बाल मतलब टेढ़े हो जाएंगे, वरना फिर से बाल खराब हो जाएंगे। यार हमारी मस्जिद ये देखें आपको, आज मैं जितनी मस्जिद में दिखा सकूँगा मैं लिखूँगा अल्लाह मुफ्ताहली अब्बाबरहमत। दरवाज़ा हवा की वजह से बंद हो गया था तो इसे खोल लेते हैं, तो जल्दी से ना सिर्फ नमाज अदा करते हैं। तो ये है हमारी प्यारी सी मस्जिद, ये देखें ये है हमारी प्यारी सी मस्जिद, अगर आपको दिखाई दे, ये देखेंगे बहुत प्यारी मस्जिद है। तो अभी कुछ काम रहता है, ये देखें अभी फर्श जो है ना इसका काम थोड़ा रहता है, तो अंदर टाइल्स शायद लग गई हैं, अंदर मस्जिद है, ये देखें शायद कोई बंदा नहीं, अंदर कोई बंदा भी नहीं है। ये है हमारी प्यारी सी मस्जिद, देखें गाइस ये हमारी प्यारी सी मस्जिद है, ये देखें, ये कुछ सामान पड़ा हुआ है सफाई का, और ये है ये वो मतलब कुर्सी है जिस पर नाम सबको तो बताते हैं। तो जल्दी से नमाज पढ़ते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो गए नमाज शमाज अदा कर लिया, तो जल्दी से चलते हैं घर, और ठीक है जल्दी से घर चलते हैं।
तो शायद कोई रास्ते में देख ले तो उसका आपको रिएक्शन भी दिखाएंगे। तो चलो ठीक है, जल्दी से कर। तो ठीक है, अभी तक तो किसी ने नहीं देखा, दो दोस्त थे जिन्होंने देखा तो उनका रिएक्शन मतलब मैं आपको दिखा तो नहीं सका, लेकिन उस वक्त जो कैमरा था ना वो मेरे पास था। तो ठीक है, तो यहीं पर मैं कर रहा हूँ अपने व्लॉग का एंड। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, तो करते हैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको, अल्लाह आपके ख़ानदान को सलामत रखे, अल्लाह आपकी खुशी सलामत रखे, अल्लाह आपको रहमत से नवाजे। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, तो करते हैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड।